तो हेलो अल्फांस, मैं हूं टेबल में आप देख रहे टेबल इन गेमिंग। तो गाइस के हाल चाल है? तो गाइस आज हम दोबारा से खेलना चाह रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। जी हाँ गाइस, जिसमें बहुत कुछ बन चुके हैं और सामने बनने वाला भी है। और इसी तरह इस वन ब्लॉक सीरीज को देखते रहना। और शुरू करते हैं पेटमिस्ट के। तो गाइस लास्ट एपिसोड में मैं गोल्ड फार्म बनाया था जो मेरे पीछे ही है। और इसमें क्या होता था, जो गोल्ड फार्म है उसमें गोल्ड मिलता था, गोल्ड का इंगेट, गोल्ड का नगेट और गोल्डन स्वॉर्ड भी मिलता था। तो जो स्वॉर्ड है उसको तो मुझे मैन्युअली उसको स्मेल्ट करके फील्ड चेस्ट में लाना पड़ता था। तो ये बहुत दिक्कत का एक बात है और सीधा का बात भी है, क्योंकि बहुत सारी गोल्ड स्वॉर्ड मिलता था, गोल्डन स्वॉर्ड, तो इसमें बहुत दिक्कत आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सॉर्टर सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम गोल्ड फार्म का सॉर्टर सिस्टम बनाएंगे। जी हाँ गाइस, तो सीधा काम पे जाते हैं। आप ये जो एरिया पूरा तोड़ना पड़ेगा और इस एरिया को बड़ा करना पड़ेगा। तो गाइस मुझे दो मिनट दो, मैं पूरा एरिया तोड़ के इसको बड़ा करके मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं गड्ढे को थोड़ी बहुत बड़ा कर दिया। जी हाँ गाइस, तो आई थिंक इतना में आ जाना चाहिए पूरा सिस्टम, मतलब वाटर सिस्टम आ जाना चाहिए। ओके, मेरा एमएलजी हुआ नहीं। ओके, कोनो बात नहीं, ऐसा हरकतें होता रहता है मेरे साथ। तो फिलहाल काम पे जाते हैं। और जितना भी सामान है मेरे पास ऑलरेडी है, तो सारा सामान और थोड़ी बहुत बनाना पड़ेगा। कोनो बात नहीं, जब जब जरूरत होगा तब तब बना लूँगा। तो फिलहाल काम करते हैं, इधर थोड़ी बहुत चेस्ट लगाते हैं। ओके, तीन चेस्ट आएगा और तीन चेस्ट में एक आएगा गोल्ड का इंगेट, एक का गोल्ड का नगेट और एक आएगा वो वाला क्या कहते हैं वाटर फ्लास्क। जी हाँ गाइस, तो अब क्या बताओ, थोड़ी बहुत ऊपर बनाएंगे एक ब्लॉक। ओके, एक ब्लॉक ऊपर बनाते हैं और इस चेस्ट में कुछ नहीं है, तो इधर एक चेस्ट लगा देते हैं और क्राउच करके इधर डबल चेस्ट और इधर भी दो चेस्ट और इधर भी दो चेस्ट, तो टोटल तीन चेस्ट आएगा। ठीक है, ओके, तीन स्टेट और एक चेस्ट आने वाला है, लेकिन वो बाद में दूंगा। जो है फर्नेस के अंदर का सामान, मतलब गोल्डन स्वॉर्ड जो है उसको स्मेल करके गोल्डन नगेट है जो वो और एक चेस्ट में आने वाला है, तो वो मैं दे दूंगा बाद में, फिलहाल नहीं। तो फिलहाल जो ये तीन चेस्ट है उसका सॉर्टर सिस्टम बना लेता हूँ और बाद में देखूंगा। तो इसके लिए थोड़ी बहुत सामान बनाना पड़ेगा जो मैं बना के मिलता हूँ। तो एक हॉपर को मैं इधर लगा देता हूँ, इधर एक और इधर भी और इधर भी। आप मुझे चाहिए बहुत सारे रेडस्टोन जो मेरा हाउस के पास है, जाके लेके आता हूँ। तो बस ये रहा, इधर बहुत सारे रेडस्टोन है, तो इधर से मैं एक स्टैक ले लेता हूँ। और मेरे पास वो भी है क्वार्ट्ज वगैरह जो जिससे वो बनता है रिविटर, रेडस्टोन रिविटर। तो मेरे पास सामान है, कोई बात नहीं। तो इसको लेके मैं जाता हूँ सीधा ही मेरा गोल्ड फार्म के पास। ओके, मुझे ए वाला चाहिए तीन, तो ओके तीन और एक, और मुझे ए वाला चाहिए तीन, तो ये परफेक्ट तीन तीन और छः बन चुके हैं, तो ये एकदम बराबर हो गया। ओके, तो अब क्या करना बनेगा, अब थोड़ी बहुत फर्नेस भी चाहिए, एक फर्नेस काफ़ी है, क्योंकि मुझे चाहिए ओवर या चाहिए क्या कहते हैं ग्लास। तो इसको मैं इधर डाल देता हूँ और फ्यूल के लिए मैं काम करता हूँ लावा बकेट डाल देता हूँ। तो लावा बैकेट डाल देता हूँ, फ्यूल इस्तेमाल हो जाएगा, ये बहुत लॉन्ग टाइम फ्यूल है। तो फिलहाल जाते हैं काम करते हैं। और अब क्या करना पड़ेगा, इस हॉपर के पीछे तीन ऐसे कोबलस्टोन देके, तो इसके बाद ये वाला लगाना पड़ेगा, ऐसा करके तीनों लगाना पड़ेगा। तो ऐसा करके लगाना पड़ेगा, एक दो और तीन, ऐसा करके लगा देना है। और इसको लगाने के बाद क्या करना है, जो हॉपर है तो क्राउच करके ऐसा करके लगा देना है, इसके तरफ मूव करके ऐसा करके लगा देना है, तो तीनों में ही ऐसा करके लग जाएगा। ओके, तो ये हो चुका है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे भी एक रेडस्टोन का काम करना पड़ेगा। तो इस एरिया को थोड़ी ऐसा करके फिल कर देते हैं। ओके, तीन और इधर भी तीन लगा देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, दो रेडस्टोन रिपीटर है तो ले लेते हो तीन, तो तीन को ऐसा करके इस तरह मूव करके ऐसा लगा देना है, तीनों का तीनों एक लाइन पे। ओके, आप इधर एक ब्लॉक ज़्यादा ही छोटा हो गया,
कम कर तो मैं इस दीवार को तोड़ डालता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, इसको और भी बड़ा करना पड़ गया तो मैं वो करूँगा नहीं फिलहाल, इसको मैं तोड़ लेता हूँ। ओके आ जा मेरा मेटीरियल है। ओके तो ऐसा हो चुका है, अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए रेडस्टोन। ओके रेडस्टोन टोर्च, हाँ इसका नाम ऐसे ही, तो ऐसा लगा देना पड़ेगा। आप इसके ऊपर आएगा ग्लास जो ऐसा करके आ जाएगा, एक इसके ऊपर और इधर भी, और सॉरी इधर नहीं आएगा। ओके इसको लगा ले तो फिलहाल, इसके ऊपर तोड़ना पड़ेगा इसको भी। ओके तीनों हो चुके हैं, और इसको तोड़ के इधर सॉलिड ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ओके इधर ग्लास नहीं आना चाहिए। ओके आप इधर आएगा, इधर एक सॉलिड ब्लॉक इधर, तीनों में आएगा, तीनों में ऐसा करके सॉलिड ब्लॉक आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस वाली एरिया को और भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर रेस्टोन का सिग्नल आने वाला है, लगने वाला है इधर ही। तो आप चाहिए रेस्टोन, रेस्टोन आप इसको इधर भी लगा देना पड़ेगा, तीनों पे एक लाइन पे, और इधर भी ग्लास के ऊपर भी और कॉबलस्टोन के ऊपर भी ऐसा करके लगा देना पड़ेगा। तो ये फाइनली पूरी तरह रेडी है। इसके बाद हॉपर का और एक लाइन देना पड़ेगा ऊपर से, तो ऐसा करके देना पड़ेगा सीधा उधर उधर तक, जब जिधर मॉप आके मरेगा मतलब पिग लेन, तो उस तरफ ले जाना पड़ेगा ऐसा करके, जैसे कि सामान उस हॉपर के ऊपर से चला जाए, तो इधर से लगाना पड़ेगा ऐसा करके पूरा इधर तक आएगा, और इसको तोड़ के उस तरफ मूव कर देना है जैसे कि सामान उधर चला जाए। ओके तो मेरे पास हॉपर है, ऐसा लगा देता हूँ। ओके एक गलत लग गया, इसको मैं तोड़ के दोबारा से लगाता हूँ। ओके आ चुके हैं, अब मैं इधर लगा देता हूँ, तो ये लग चुका है और ऐसा ठीक है, उधर तक चला जाएगा तो ऑटोमेटिक शॉट हो जाएगा। आप क्या करना, फर्नेस जो है क्या कहते हैं गोल्डन शॉट जो है स्मेल्ट होगा उसका उस भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि ओके ये बिग लेन इधर भी इसको मार लेता हूँ, नहीं तो ये खत्म कर देगा मुझे। अबे अबे इतना क्या 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 करना चाहते हैं तू, आजा। ओके ये खत्म हो चुका है। ओके आप क्या करना पड़ेगा, गोल्ड स्वॉर्ड स्मेल्ट होने जो है वो करना पड़ेगा, मतलब तीन आइटम जो है तीनों चश्मे आ जाएगा, एक है गोल्डन नगेट गोल्डन इंगेट और है लॉटन फ्रथ, और एक आइटम बचा है जो है गोल्डन स्वॉर्ड जो है आखिरी वाली चश्मे चला जाएगा, मतलब आखिरी वाली हॉपर में चला जाएगा, और वो हॉपर के थ्रू चला जाएगा फर्नेस के अंदर, तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या वो करते हैं, फर्नेस वगैरह है और हॉपर चाहिए, हॉपर थोड़ी बहुत बना लेता हूँ। तो आप क्या करना मानेगा, इधर एक हॉपर नीचे जाएगा फर्नेस के अंदर, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, और इधर एक हॉपर जाएगा उधर मूव करते हुए, तो ऐसा करके लगाना पड़ेगा, और इसको भी तोड़ देता हूँ क्योंकि इधर फर्नेस आएगा, तो नीचे और एक ब्लॉक डाल के इधर फर्नेस आएगा, तो इधर मैं इस ब्लॉक को डाल देता हूँ कॉस्ट्यूम को, और इधर एक फर्नेस डाल देता हूँ, फर्नेस के इधर ये रहा, इसको मैं ले लेता हूँ और इधर डाल देता हूँ। ओके तो ये उधर मूव कर रहे, ऐसा मूव करना नहीं चाहिए, तो इसको मैं तोड़ के सामने वाले फेस करते हुए लगाऊंगा, तो थोड़ा सा इधर ऐसा जाके ऐसा लगा देता हूँ। ओके ये लग चुके, अब इसके ऊपर क्राउच करके एक हॉपर आ जाएगा, अब जो भी गोल्डन स्वॉर्ड है वो सीधा फर्नेस के अंदर आ जाएगा, एक बार बार स्पॉन होता रहता है, क्या क्या दिक्कत है तुझे। ओके मैं थोड़ी बहुत खाना खा लेता हूँ, कहीं पता चल गया वो मुझे ऐसे ही मार दे, क्योंकि मेरे पास फूड कम है ना, तो लाइफ भी कम होगा। ओके ओके okay, चेस्ट में का हाथ मान लिया। ओके okay? अच्छा ये बहुत दिक्कत करते हैं बहुत। ओके okay, छोड़ो, तो आप आखिरी वाली काम बच रह गया, तो इसको मैं तोड़ कर लेता हूँ, और इधर भी एक आएगा हॉपर जिसके थ्रू नीचे फ्यूल जाएगा। ओके okay? ऐसा करके, और इसके ऊपर एक चेस्ट दे दूंगा, जैसे कि उधर बहुत सारी लावा दे दूँ, लावा बकेट, इससे क्या होगा फ्यूल इस्तेमाल हो जाएगा, जो भी गोल्डन स्वॉर्ड है वो फ्यूल या इसके थ्रू गोल्डन नगर बन के चेस्ट में कट हो जाएगा। तो काम करता हूँ, इधर दो चेस्ट और भी लगा देता हूँ, जो मैं पहले बोला था ऐसा लगाऊंगा, और चाहे मुझे एक हॉपर हॉपर बनाना पड़ेगा, मेरे पास हॉपर कम हो चुके हैं, तो मेरे पास आयरन है तो मैं हॉपर बना लेता हूँ। किधर है हॉपर? ओके ये रहा हॉपर का रेसिपी, तो इसको मैं बना लेता हूँ, एक ही चाहिए मुझे, तो एक मैं जाके उधर लगा देता हूँ, तो ये रहा इधर लगा देता हूँ क्राउच करके, तो ये पूरा सिस्टम रेडी है। मैंने छोटा सा गलती कर दिया था, तो ये वाला रेस्टोरेंट है उसको मैं उल्टा लगा दिया था, इसके लिए वर्क नहीं कर रहा था, तो इसको सिर्फ ऐसा करके लगाना पड़ रहा था, तो बाकी दोबारा से ऐसे ही करना पड़ेगा जैसा पहले था। तो सिर्फ इस वाली, इसका नाम क्या था भूल गया, रेस्टोरेंट कॉम्प्रेसर
तो इसको उल्टा करके लगाना पड़ेगा, तो बाकी जो भी है वो दोबारा वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो हॉपर है हॉपर के अंदर कुछ ऐसा करके रखना पड़ेगा। तो इधर भी ऐसा करके 11 कोबस्टोन चारों में आएगा, और एक में आएगा गोल्ड, और एक में आएगा गोल्डन नकेट, और एक में आएगा ग्लोटन फ्लश। तो ऐसा करके आइटम शॉर्ट होके चेस्ट में आ जाएगा, और आखिरी वाली जो चेस्ट है उधर चला जाएगा गोल्डन शॉर्ट जो स्मेल्ट होके। और नीचे के अगर नीचे भी काम है, नीचे के हॉपर में ऊपर के हॉपर में जो होगा नीचे के हॉपर में एक गोल्ड का नगेट या गोल्ड का इंगेट दे देना पड़ेगा सेम टू सेम। तो इधर एक होगा और इधर भी एक गोल्डन इंगेट देना पड़ेगा नीचे वाले हॉपर में, तो देना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर एक गोल्डन इंगेट देना पड़ेगा, ऊपर जो भी होगा वो नीचे भी देना पड़ेगा। तो इधर रॉटन फ्लैश है, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला रॉटन फ्लैश है और ये वाला गोल्डन इंगेट, और इधर गोल्डन नगेट, सॉरी ए इंगेट है वो नगेट है। ओके तो ऐसा है, तो पूरा शॉर्टर सिस्टम रेडी है। तो गाइस तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ी बहुत इसको सजा के मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा शॉर्टर सिस्टम रेडी है, मुझे बस कुछ नहीं करना पड़ेगा इस गड्ढे में जाके। ओके चला जा, ओके अब इधर जाकर सिर्फ पिगलियन को मारना पड़ेगा ऐसे करके, और उसको मैं सिर्फ मारता रहूँगा, बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। सामान जाके इकट्ठा हो जाएगा नीचे चेस्ट वाले एरिया में, और जो गोल्डन शॉर्ट है वो भी मेल्ट होके चेस्ट में आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा शॉर्टेज सिस्टम है, मैं थोड़ी बहुत उसको मार के मतलब एफ करके मिलता हूँ और दिखाता हूँ। और एक चीज, जो इधर ग्लास लगाया है क्योंकि मैं जैसे देख पाऊँ फर्नेस के अंदर आग है या नहीं, और इधर लावा डालना पड़ेगा। और ये रहा, इसके अंदर बहुत सारी है वो गोल्डन शॉर्ट जो स्मेल्ट होके सीधा नीचे चला जाएगा, और इस वाली चेस्ट के अंदर देना पड़ेगा फ्यूल, जो भी फ्यूल है मैं दे दूंगा वो लावा दे दूंगा, तो फ्यूल का इस्तेमाल हो जाएगा। मैं इसका इधर बैठूंगा और सिर्फ मारूंगा और सारा सामान नीचे आएगा, और मैं नीचे जाके दिखाता हूँ, मैं इसको मार के दिखाता हूँ नीचे जाके। तो फाइनली मार बहुत सारी किल कर चुके हो, तो इधर रहा, इधर से नीचे जाता है, और ये रहा शॉर्ट सिस्टम। तो इधर आएगा गोल्ड इंगेट, इधर आएगा गोल्ड नगेट, और इधर आएगा रॉटन फ्लैश, और इधर आएगा स्मेल्ट होके पैकेट आएगा, और क्या आएगा गोल्डन इंगेट सॉरी नगेट क्या ही बोलो, और सीधे जाते ऊपर क्योंकि हमारा काम खत्म हो चुका है। तो फाइनली ये पूरा खत्म हो चुका है। तो गाइस आई होप यू लाइक इट, ये छोटा सा शॉर्टर सिस्टम है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं, सी यू।